सिंह बुलेटिन की शुरुआत करें। झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों को लेकर के चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया। 26 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और महागठबंधन की ओर से पहले उम्मीदवार के तौर पर शिबू सोरेन के नाम की घोषणा की जा चुकी है, जबकि दूसरे उम्मीदवार के नाम को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। वहीं एनडीए ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, ऐसे में सबकी निगाहें अब आजसू और निर्दलीय विधायकों पर टिकी है। राज्यसभा की दो सीटों पर जंग, महागठबंधन से गुरुजी फिक्स, दूसरे उम्मीदवार पर गहराया राज। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां महागठबंधन से पहले उम्मीदवार के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन के नाम पर मुहर लग चुकी है, वहीं दूसरे उम्मीदवार को लेकर अब भी कुछ साफ नहीं हुआ है। दूसरी सीट के आंकड़ों को पूरा करने के लिए महागठबंधन और एनडीए दोनों की तरफ से जद्दोजहद हो रही है। आंकड़ों के हिसाब से राज्यसभा चुनाव के दौरान आजसू के साथ दो निर्दलीय विधायकों पर काफी दारोमदार है। ऐसे में जहां बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी दिल्ली में आजसू के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के साथ मिलकर राज्यसभा चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, वहीं खबरें हैं कि कांग्रेस भी आजसू नेताओं के संपर्क में है। जो हाउस बाधित रहा तो एक विषय होता था कि स्थानीय नीति के चलते हाउस नहीं चलेगा, हर बार आप निकाल के देखो इतना समय हाउस चला है, उसका विषय क्या था? आज वो विषय मूल विषय कौन हो गया है? नामांकन वापसी का दिन खत्म हो जाए, कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद ही हम लोग कैंडिडेट पर विचार करेंगे, कौन किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, तटस्थ रहेंगे, क्या करेंगे। अभी तक किसी पार्टी ने, किसी गठबंधन ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं किया है, तो नेचुरल है कि वोटिंग करना है, किसको करना है या नहीं करना है, ये सारी बातें तब तय होंगी जब प्रत्याशी आएंगे मैदान में। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटों के हिसाब किताब के मुताबिक झारखंड विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की 29, बीजेपी के 25, कांग्रेस 16, जेवीएम 3, आजसू 2, निर्दलीय 2, आरजेडी 1, एनसीपी 1 और सीपीआईएमएल की 1 सीट है। जेएमएम के 29, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 1 विधायक के अलावा जेवीएम के प्रदीप यादव और बंधु तिर्की भी अब कांग्रेस के पक्ष में हैं। इस तरह से सत्ताधारी गठबंधन के पास 48 विधायक हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 27 वोट की जरूरत है। महागठबंधन का एक उम्मीदवार तो बड़ी आसानी से जीत जाएगा, लेकिन दूसरे उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 6 अतिरिक्त वोटों का जुगाड़ करना होगा। वोटों के इसी जोड़तोड़ के कारण बीजेपी सत्ता पक्ष पर बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा न देने का आरोप लगा रही है, ताकि राज्यसभा चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। राज्यसभा का सदस्य भारतीय जनता पार्टी का ही बनकर जाएगा, बस ये फिक्स है, होना ही है, क्योंकि आंकड़े सत्तारूढ़ दल के पास नहीं है। राज्यसभा के दूसरे उम्मीदवार को लेकर महागठबंधन में गतिरोध दिख रहा है। दरअसल जेएमएम के तहत हुए समझौते के मुताबिक उम्मीद है कि दूसरी सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, और कांग्रेस की ओर से जामताड़ा विधायक को पूरी उम्मीद है कि पार्टी किसी अल्पसंख्यक को मौका देगी। राहुल गांधी जी से हम लोगों ने आग्रह किया है और चिट्ठी भी लिखा है कि इतनी बड़ी आबादी है झारखंड में, लगभग 18% अल्पसंख्यकों में से सबसे बड़ी आबादी अंसारियों की है, ये बहुत बैकवर्ड और समाज में यदि ये खुलकर पोलिंग करता है, विपक्ष की सत्ता में लाता है, तो निश्चित तौर पर उनको स्थान मिलना चाहिए। झारखंड में राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। 13 मार्च तक नामांकन दाखिल किया जाएगा और 18 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 26 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और 26 मार्च को ही शाम 5 बजे मतगणना होगी। मदन सिंह।